ओम शन्नो देवीरभिष्टयः आपो भवन्तु पीतये शय्योरभिष्टवन्तु नः। एक बार उस परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए एक बार उस चराचर जगत को प्रणाम करते हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आप सबके प्रति अपने सात्विक नजरे रख करके सबके भीतर की सात्विक शक्तियों को जगाओ। तो आइए आज हम सभी कपाल भाती के माध्यम से कार्यक्रम को और ऊंचाई तक ले जाने की योजना बनाते हैं। बैठ जाते हैं एक आसन में, सिद्धासन में, फिर ध्यान मुद्रा लगा लेते हैं दोनों हथेलियों को घुटने के ऊपर, और इस कपाल भाती के माध्यम से आप शरीर के तमाम बीमारियों को हटा सकते हैं। केवल कपाल भाती अकेला इतनी ताकत रखता है कि आप बीमारियों से तो दूर हो नहीं होंगे, किसी को यदि भूत पिशाच का भ्रम हो गया हो, किसी को डायन का हो गया हो, किसी का क्या क्या दिमाग में भ्रम चलता है, वैसे भूत पिशाच को निकालने की ताकत, भ्रम गफलत संशय को निकालने की ताकत इस कपाल भाती में है। तो आइए इस विराट ताकत को अपने जीवन में उतारे। आंख बंद कर लीजिए, नाक से झटके से प्राण वायु को बाहर फेंकना है, जैसे हम छींकते हैं। पूरे वेग से प्राण वायु बाहर निकलेगा और नाभि प्रदेश आपका अंदर जाएगा। अब ये किनको नहीं करना है ये सुन लीजिए, जो माँ बहने मासिक धर्म के दौरान है उनको नहीं करना है, जिनको पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना है, जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है उनको नहीं करना है, जिनको माथे में तेज दर्द हो रहा है उनको नहीं करना है, और जिनको हाई ब्लड प्रेशर है उनको ये नहीं करना है। 5 साल से छोटे बच्चों को नहीं करना है, 5 साल से लेकर के 10 साल के बच्चों को 5 मिनट, और 10 साल से लेकर के बड़े बच्चों को या 10 मिनट से लेकर के 30-30 मिनट तक, 1-1 घंटे तक का अभ्यास करवाते हैं। तो आइए ये सावधानियां विधि को बताया, और ये किन किन बीमारियों में लाभ देगा, करते रहे कपाल भाती। आंखें बंद हो, मन शांत हो, आपका ध्यान केवल सांसों पर टिक रहा है। सांस कैसे अंदर, सांस को केवल बाहर फेंकने पर ध्यान टिकाते हैं, सांस तो स्वयं अंदर चलाता है। श्लोक चलता रहे। हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, अब मैली चादर रूपी जीवन को मैं कैसे आपके सामने उपस्थित कर सकूं, मुझे तो शर्म आ रही है। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ। अब परमात्मा जब जन्म देता है, जब हम माँ के कोख से बाहर आते हैं, कपाल भाती के श्लोक चलता रहे, तो हम सबका जीवन एक कोरे कागज की तरफ होता है, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं होते हैं, और जैसे जैसे हम परिस्थितियों में ढलते जाते हैं, हम अपने जीवन में कर्मों के द्वारा अलग अलग विकारों को, अलग अलग दोषों को अपने जीवन में उतारते चले जाते हैं, और इतना एक दिन हम विकारों से भर जाते हैं कि लगता है कि मेरा जीवन चारों तरफ विकारों के दलदल में फंस चुका है। इसलिए पुनः प्रार्थना, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओ
कैसे द्वार तुम्हारे कपाल भांति करते रहिए। एक सेकंड में एक बार स्ट्रोक देना है, एक सेकंड में एक बार झटका देते हैं, सांस को बाहर फेंकते हैं और मन में एक संकल्प लीजिए कि हे परमात्मा, जब सांस को बाहर फेंकते हैं तो हमारे भीतर के जितने विकार हैं, जितनी व्याधियां हैं, जितने रोग हैं, वो सब हमसे दूर हो रहे हैं और दुनिया के ओज तेज सुख शांति समृद्धि सब हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहे हैं। कपाल भांति का अभ्यास करने से आपको शुगर की बीमारी, कपाल भांति का अभ्यास करने से आपको क्या फायदा होगा वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कपाल भांति का जब स्ट्रोक देंगे बार बार 15 मिनट कम से कम, तो हमारे सेल्स जो डीजेनरेट होते हैं, जो मृत प्राय होते हैं, वो कपाल भांति के झटकों से वह पुनर्जीवित होने लगते हैं, वो रीजेनरेट होने लगते हैं। कपाल भांति करते रहिए। जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको मधुमेह की बीमारी है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको माइग्रेन है, जिनको हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा है, जो माँ बहन ने बांझपन की शिकार है, जो भाई नपुंसकता के शिकार है, बवासीर नकसीर हो, चर्म रोग हो, सोरायसिस हो, सफेद दाग हो, गैस कब्ज की समस्या हो, मोटापे की समस्या हो, चर्बी की समस्या हो, तमाम बीमारियों को केवल और केवल कपाल भांति के नियमित 15 मिनट के अभ्यासों से इन सारे बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आप नस नाड़ी के समस्याओं को भी आप दूर कर सकते हैं केवल कपाल भांति के नियमित 15 मिनट के अभ्यासों के द्वारा।